फिर जैसे ही अगस्त में कोर्स किया, अक्टूबर में दिवाली में गुरुदेव के साथ पहला एडवांस कोर्स हो रहा था ऋषिकेश में, तो मुझे जाने का मन हुआ। मैंने लोगों से बोला, सारे ग्रुप को, कि मैं भी चलता हूँ, पर समहाउ मुझे शॉप से भी छुट्टी नहीं मिली थी और टिकट्स भी नहीं मिले, तो मैंने छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। फिर एक लड़की का जाना कैंसिल हुआ, उसका नाम था प्रीति, पूरा नाम प्रशांत लाल सिंधानी। उस लड़की ने अपना टिकट जो था, उस लड़की के नाम का था, और टिकट्स में यूजुअली लिखते हैं ना बोगी नंबर, सीट नंबर, एज, मेल फीमेल एंड अमाउंट। मेरे जो ग्रुप वाले थे उसने मुझे कहा कि जैसे ही टीसी आएगा इधर उधर चले जाना, हम लोग चेक करवा लेंगे। मैं बोला ओके। मैं कभी इतना ट्रैवल करता नहीं था उससे पहले। तो वहां पे मैं जब पहुंचा तो टीसी बड़ा चालाक था, उसने बोला इतना बड़ा ग्रुप है, हम लोग 50-60 लोग थे उस टाइम पे, सारे यूथ थे वहां पे। तो मैंने बोला कि ये इतना जो नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं, उसने एक एक को चेक किया। वो आया चार्ट लेके, अच्छा जो बंदा है जिसने मुझे बोला था ना कि तू इधर उधर घूम के आ जाना, हम चेक करवा लेंगे, वही बंदा आया मेरे पास, मुझे बोला आ जाओ एक बार चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। वो बंदे ने अपना टीसी जो था उसने सबका नाम चेक किया, ऐसा अच्छा हेमेंद्र ओके, दीपाली ओके, राय सोनिया ओके राय। अब वो उसने मेरा मेरे पास आके मुझे पूछा नाम, मैंने बोला प्रशांत, उसने टिक किया और आगे नेक्स्ट के पास चला गया। जैसे ही वो नेक्स्ट के पास गया ना, मैं तो वहां से एकदम मुंह मंतर हो गया, भाग गया। मैं भागा और तुरंत मैंने देखा कि मुझे उसने पीछे से बताया कि आपकी वो जो चार्ट था ना, वो चार्ट में लिखा हुआ था पी डॉट और फिर सरनेम लिखी हुई थी उस लड़की की, अच्छा फीमेल के बदले मेल लिखा हुआ है। मैं बोला अच्छा ऐसा भी था। मैं उस लड़की की टिकट में सूरत से दिल्ली, दिल्ली से ऋषिकेश गया, एडवांस कोर्स किया गुरुदेव के साथ, इस लाइफ में पहली बार मिला, और उसी लड़की की टिकट में वापस रिटर्न भी हुआ।